अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे स्पाइसी स्पगेटी विथ मीट। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और इसे हम बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे और इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। चलिए तो हम फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। पर हमने हाफ कढ़ाई भरकर पानी को उबलने के लिए रख दिया है और पानी में अच्छा सा उबाल आ जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। और यहाँ पर हमने 500 ग्राम स्पगेटी ली है, इसे भी हम ये उबले हुए पानी में डाल देंगे और 5 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर उबलने देंगे और फिर मीडियम फ्लेम कर इसे ढक देंगे। और इसमें अच्छा सा प्रेशर आने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे ढक कर अच्छे से बॉईल होने देंगे और बीच में इसे 1 से 2 बार हिलाते रहेंगे। 14 से 15 मिनट हो गई है और स्पगेटी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गई है। और अब हम इसके पानी को झाल लेंगे और इसे ठंडे पानी से धोकर इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हमें ले लेनी है एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हमें इसमें डाल देना है क्रश किया हुआ जिंजर। तो यहाँ पर हमने 2 इंच के अदरक के टुकड़े को क्रश कर लिया है और इसे हमें लाइट ब्राउन कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप प्याज जिसको हमने बारीक काट लिया है। और इसी के साथ हम डाल देंगे 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। प्याज और शिमला मिर्च को हमें 1 से 2 मिनट तक भून लेना है ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर हमने लिया है 500 ग्राम बोनलेस कीमा और यहाँ पर हमें मशीन का कीमा ही यूज़ करना है और हमें इस कीमे को कढ़ाई में डाल देना है। और यहाँ पर हमने कीमे को पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमने इसे 3 से 4 मिनट तक भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। और 1 छोटी चम्मच भुना और कुटा हुआ जीरा और 2 बड़े चम्मच रेड चिल्ली सॉस। और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर इन सभी मसालों को अच्छे से कीमे के साथ भून लेंगे ताकि मसाला का जो भी कच्चापन है वो हट जाए और कीमे पर सभी मसाले अच्छे से चढ़ जाए। और यहाँ पर हमें कीमा भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गई है और कीमे पर अच्छा सा मसाला भी चढ़ गया है। और देखिए कीमे ने अपना पानी भी रिलीज करना शुरू कर दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटो प्यूरी और हमें 6 से 7 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मिक्सर में डालकर इसकी प्यूरी बना लेनी है। और हमने सभी बनाई हुई प्यूरी को इस कीमे में डाल देना है और इसे अच्छे से हिला लेना है। और इसे हम ढककर 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। 20 से 25 मिनट हो गई है और जो टमाटरों ने और कीमे ने जो पानी रिलीज़ किया था उसी में कीमा बहुत ही अच्छे से पक गया है। और देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से कीमा पक गया है और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और बस अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा स्पगेटी के लिए स्पाइसी कीमा बनकर तैयार है। और अब हम इसे 1 बाउल में निकाल लेंगे। और हमारे इस चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। यहाँ पर हमने सभी कीमे को बाउल में निकाल लिया है और इसे हम रख देंगे साइड में। और हमें इसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच बटर डाल देना है और यहाँ पर बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे सभी बॉईल की हुई स्पगेटी और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और 1/4 चम्मच नमक। और लो फ्लेम कर हम नमक और मिर्च को स्पगेटी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे माशाल्लाह स्पगेटी भी बनकर तैयार है और अब हम इसे सर्व करेंगे। और देखिए माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी स्पाइसी स्पगेटी विथ मीट बनकर तैयार है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और आप भी इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आया है और सभी खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।
और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।